गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हमने अपने लास्ट लेसन में ये पढ़ा दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर हम उसको एक्सेसिव यूज करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड डिस्पोज द प्लास्टिक केयरफुली एंड कंजर्व आ एनवायरमेंट, कि जब कभी भी हम प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हमें उसको केयरफुली डिस्पोज करना है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकें और उसको कंजर्व कर सकें। तो आज का टॉपिक यही है कि किस तरीके से, इन हाउ मैनी वेज वी कैन कंजर्व आर एनवायरमेंट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंजर्वेशन एक्शन, कि किस तरीके से हम वेस्ट का, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसका डिस्पोजल केयरफुली कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वे इज सेग्रीगेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोजिंग दैम सेपरेटली। जैसे कि हम जानते भी हैं कि आजकल जो भी हमारा वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको डंप करने के लिए डिफरेंट कलर के डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, जिसपे कि हमें पता होता है कि अगर ग्रीन है तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमें उसे ग्रीन बिन में डालना है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमें ब्लू बिन में डालना है। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सेपरेटली डंप करके, सेग्रीगेट आउट करके और फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको अलग से डिस्पोज ऑफ करेंगे और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजिंग प्लास्टिक इन प्रॉपर प्लेसेस। जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे वेस्ट हैं उनको स्ट्रीट्स पे या रोड्स पे या कहीं पे भी हमारे घर के आसपास में कोई बैरन एरिया है या कोई लैंड वेकेंट पड़ा है वहाँ पे भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो स्पॉइल हो जाता है, उससे डर्टी स्मेल आने लगती है, साथ ही साथ उनके अंदर उसमें जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं वो उड़ के आ जाती हैं, वो घरों के आसपास जमा हो जाती हैं या इधर उधर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्टक ऑफ हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं पे भी अपने जो हमारा वेस्ट है उसको कहीं पे भी डंप ना करके प्रॉपर जो प्लेस है, जो डंपिंग एरिया है या कहीं पे अगर डस्टबिन लगा हुआ है वहीं पे डालना है, हमें उसको कहीं पर भी ऐसे ही इधर उधर डंप नहीं करना है। तो ये भी इस एक वे है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय फॉलोइंग 4 आर्स। हमने 4 आर्स पढ़े हैं जिसमें फर्स्ट आर है रिफ्यूजिंग, सेकंड है रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड देन रिसाइकलिंग। तो सबसे पहला हमारा आर है रिफ्यूजिंग। तो सबसे पहले तो हम कोशिश यही करें कि प्लास्टिक आइटम्स को नहीं कहें, से नो टू प्लास्टिक आइटम्स। जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ ही नहीं करना है। जस्ट लाइक ऑन द प्लेस और इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स वी कैन यूज़ क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स। हम अपना कपड़े का बना थैला यूज़ कर सकते हैं या हमारा जो पेपर बैग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे हमें प्लास्टिक को ना कहना है और उसका अल्टरनेट जो हमारा आर्टिकल है वो यूज़ करना है। सेकंड है हमारा रिड्यूस। अगर बहुत ही कंपलसरी है कि हमें यहाँ पे प्लास्टिक आइटम ही यूज़ करना है तो हमें उसे कम से कम यूज़ करना है, कम से कम प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करने हैं।
नेक्स्ट है हमारा रीयूज। जहाँ तक हो सके अगर हमने कोई प्लास्टिक आइटम यूज़ किया है तो कोशिश करके हम उसको डंप ना करके उसको किसी भी दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई प्लास्टिक का हमारे पास कंटेनर है जिसमें कि कोई फूड आइटम पैक होके आया है और हमने उसको यूज़ कर लिया है। अब हमारा जो खाली जो कंटेनर है हम उसको कहीं और रीयूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें वो प्लांट ग्रो कर सकते हैं या हम उसको एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वे में हम उसको दूसरी जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारा रीसाइकलिंग। ऐसे हमने पढ़े हैं कि कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो रीसाइकल हो जाते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक्स को रीसाइकल करके डिफरेंट शेप्स में या साइज में हम डिज़ायरेबल जो आर्टिकल बना सकते हैं। तो ये 4 RS यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। लास्ट है हमारा इंसिनरेशन और बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एट वेरी हाई टेम्परेचर। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा कि जब हम इन प्लास्टिक आइटम्स को बर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। पर एक और मेथड है इंसिनरेशन, जिसमें कि हम इनको प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, दैट व्हेन वी बर्न देम हाई टेम्परेचर देयर लास्ट लेस रेजिड्यू, उनके जलने के बाद कम रेजिड्यू बचता है, कम वो वेस्ट मटेरियल बचता है। साथ ही साथ जो भी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो साथ ही साथ ब्रेक डाउन हो जाती हैं और लेस पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट होती जाती हैं। थर्ड इसका बेनिफिट ये भी है कि जब ये बर्न होती हैं हाई टेम्परेचर पे तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहीं पर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारे वेज फॉलो करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं या हम कह सकते हैं कि कंजर्व कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।